CIPP evaल्युएशन मॉडल। सो इट इज ग्रुप वन में कौन कौन है डॉक्टर साहिबा, प्लीज नाम भी बताते जाइएगा। डॉक्टर पाकीजा, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर कुरतुलैन और डॉक्टर खिजर। ओके, और खिजर साहब को बारी नहीं देंगी आप? देखें ये इनजस्टिस हो गया, फीमेल फीमेल डोमिनेटेड था मैडम, हमें पता ही नहीं लगा कि सर ग्रुप में है, हमें बाद में पता लगा कि सर ग्रुप में। इसका मतलब सर को, सर ने फायदा उठाया ना। चलो सर जी, हाँ डॉक्टर खिजर तैयार रहे हैं, सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। प्लीज स्टार्ट, आपका वो नहीं आ रहा, स्लाइड शो करिएगा प्लीज। स्लाइड शो पे? अच्छा हाँ, स्लाइड शो पे डाले ना। ग्रुप टू, हाँ अभी मैं ठीक है। ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री आर सपोज टू पुट टू वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस दिस सीआईपीपी मॉडल। मुझे दो दो सवाल हर ग्रुप से बहुत अच्छे वाले चाहिए। बी अटेंटिव और उसका जवाब हमारे डॉक्टर खिजर देंगे। स्टार्ट करते हैं जी, और ये मैंडेटरी टास्क है, ऐसा नहीं है कि मैं ये सुनूं कि जी हमारे पास सवाल ही कोई नहीं है। मुझे दो दो सवाल दोनों ग्रुप से चाहिए, टोटल चार सवाल होंगे। Let's start the CIPP model and please explain what does it means by CIPP. Madam, so CIPP evaluation model requires the evaluation of context, input, process and product in judging a program's value. It is used okay. as इसलिए उसने abbreviate बना के उसको CIPP कर दिया। जी, excellent. और ये diagram में उन सब का ना आगे से components show किए हुए जो उसमें वैल्यूएशन में असेस होने। तो आप हमें कौन सा अपना कंपोनेंट करिकुलम का बताएंगे जिसको आप सीआईपीपी मॉडल पे डिजाइन करेंगे असेस करने के लिए? मैडम, हमने ना हाउस जॉब प्रोग्राम ऑफ सेन गानी जो 12 वीक्स का होता है उसको हमने एवेल्युएट करने के लिए मॉडल यूज किया। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, और हम ये देखेंगे कि हमारा उसमें क्या निकलता है। एक्सीलेंट, बताइए जी मैडम। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एवेल्युएशन। कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट थे गोल्स। गोल्स में सबसे पहले थे बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज आर ग्रेजुएट्स, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट। इसमें हमें ना पेशेंट्स भी लिखना चाहिए था, जनरल पब्लिक। आप ना बोले ना, सवाल आने दें। जी जी, आपने जो लिखा हुआ बस वो बताती जाए, मुझे सवाल चाहिए बाकी लोगों से। और उसके जी उसके बाद नीड्स, नीड्स इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। Then resources used were surveys and interviews. Problems good. in the course were anticipate karte time constraints and cultural factors. And background of the evaluation was to see if the program is effective in producing doctors with basic obs and gyne experience. Thank you. Input evaluation mein plan. और इसमें सबसे पहले स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। स्ट्रेटजीज वर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड इंटरव्यू डेटा। बजट फॉर द वैल्यूएशन विल बी बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेक होल्डर्स। कवरेज ऑफ द प्रोग्राम विल बी द स्किल्स ऑफ द डॉक्टर, ऑन जॉब लर्निंग एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग। एंड रिसर्च विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव, विल बी ऑन objective of evaluation and sample size and methodology will be isme koi gadbad hogi koi baat nahi, aap aage chale, gadbad dusron ko janne dena, aap bas pad ke jaye kyunki aapne banaya na, to reviewer ko batane de aap. Fir next step is process evaluation. The actions are first of all develop data collection and analysis, and data is compared with previous data and recommendations are made. Then implement the recommendations and data based on implementation, based on recommendations, changes are implemented and whole process is reviewed. Then monitor the change and feedback is obtained from stakeholders and beneficiaries. Then product evaluation, outcomes which are impact is improved training, satisfaction of graduate and improved patient care. Effectiveness, some changes are recommended to improve effectiveness. Transportability, sustainability and adjustment are decided based on the judgment and reactions of the house job program attained. Bas madam, ye hai hamara. Okay, okay ji,
अभी इसको ऑफ नहीं करें प्लीज, यही वाली स्लाइड रहने दें, ऑफ नहीं कर रही। आई विल इनवाइट ग्रुप टू टू आस्क टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीआईपीपी मॉडल ओवरऑल, और ये भी बताइए कि अगर उन्होंने हाउस जॉब का 3 मंथ्स का करिकुलम लिया था, और जो मेन, क्योंकि जब इसको करने बैठेंगे तो इसकी बेशुमार डिटेल आएंगी, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है और क्या पूछना चाहेंगे, इज देयर एनीथिंग मिसिंग, क्या ठीक प्रेजेंट किया है, आपको समझ आई है सीआईपीपी मॉडल की। ग्रुप नंबर टू, दो सवाल आ चाहिए मुझे, डॉक्टर खिजर रेडी रहिएगा। ये डॉक्टर खिजर है? यस मैम, आई एम डॉक्टर खिजर एंड वेट मेट इन कांटेक्ट विद द With the rest of my group and of course it was a wonderful presentation made by. Certainly, I'm ready. I'm ready. Please, questions are invited. Excellent. जी, group two. सवाल नंबर एक. पहला सवाल कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ मैडम, डॉक्टर सलमान मैम. Okay, डॉक्टर सलमान, please. मैडम, मेरा इनसे input evaluation से related एक question है. So, what are the potential barriers or their challenges in implementing the curriculum effectively? Okay. Fine. How would you, okay, मैं इसको थोड़ा सा rephrase कर देती हूँ. CIPP model जी evaluation करेगा, ये model होता ही effectiveness देखने के लिए ना. डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि आप इस house job program की effectiveness को कैसे assess करेंगे सर? Correct me if I'm wrong. First of all, there is a lot of distortion in the voice. I could not understand the question made by the Dr. Salman. मैं उसको ब्रीफ कर रही हूँ. CIPP मॉडल के थ्रू आप प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को कैसे असेस करेंगे? अभी मैं क्लियर है? Madam, I would like to, I would like, just because of the, please, go on, madam. Thank you. Okay, dusra sawal kaun karega ji? Madam, assessment and feedback is the main issue of which I would like to. Ji, please, overlapping ho gayi thi. Dr. Sahib, aap kuch keh rahi thi? मैम, ये जो इन्होंने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में बैकग्राउंड दिया हुआ है, उसके लिए सिर्फ मेरा एक सजेशन है टू सी इफ द प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स विद बेसिक ऑब्स एंड गायनी एक्सपीरियंस. इसको एक्सपीरियंस की बजाय स्किल होना चाहिए. एक्सपीरियंस मिल भी जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्किल, और एक्सपीरियंस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, उसको असेस नहीं कर सकते अगर आप कोई असेसमेंट करना चाह रहे हैं. सो इट शुड बी एनी स्किल. Excellent. I will fully agree with you. क्योंकि background में आपने देखना यह है कि आपका जो house job training program है, उसके बाद कोई भी बंदा general practice में चला जाता है. आपने इसके इस तरह के outcomes और goals रखने हैं कि आप assess कर सकें कि क्या वो इस training के बाद इस काबिल है कि general practice कर सके. तो उसके लिए बहुत डिफाइंड आउटकम्स होने चाहिए आपके प्रोग्राम के, और स्किल्स आप उसको वो दे रहे हैं कि नहीं. वेरी वेरी वेल पॉइंटेड जी. और एक एक जो उन्होंने खुद ही पहले कर लिया था कि बेनिफिशरीज में उन्होंने उनको यहाँ पे पेशेंट्स रखने हैं, और फिर वो डेफिनेटली पेशेंट्स के भी इंटरव्यूज करेंगी. कोई और सवाल है या हम अगले मॉडल पे चलें? इज इट क्लियर जी, सीआईपीपी मॉडल? कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है? क्योंकि इसमें उन्होंने एक बाकायदा आपको बताया है कि वो एक 3 मंथ्स के प्रोग्राम को, जो कि 12 वीक्स का बनता है, उसको इवेल्युएट करने जा रहे हैं. आई विल इनवाइट द ग्रुप नंबर टू फॉर किर्कपैट्रिक मॉडल. प्लीज उसको डिस्प्ले करें. आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिएगा डॉक्टर साहिबा. नेक्स्ट ग्रुप प्लीज. और उससे सवाल करेंगे ग्रुप नंबर 1 एंड 3. डॉक्टर सलमान, काइंडली आप ये प्रेजेंटेशन शेयर कर. मैं जो स्लाइड लगा देता हूं जी, आप नेक्स्ट कहेंगे तो मैं चेंज कर दूंगा अभी स्लाइड. ठीक. अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम डॉक्टर सरवत हुमा एंड आई हैव 3 मोर मेंबर्स इन ग्रुप 2, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर रिहाना एंड डॉक्टर सलमान. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन. काइंडली नेक्स्ट स्लाइड.
Okay, ma'am, by definition, the Kirkpatrick model, also known as the Kirkpatrick's four levels of training evaluation, is a key tool for evaluating the efficacy of training within an organization. This model is globally recognized as one of the most effective evaluations of training. We can divide the Kirkpatrick model into four stages. These are reaction, learning, behavior, and result. Next, please. Maybe if we draw a pyramid through a Kirkpatrick model, with the base of the pyramid is formed by the reaction, then comes the learning of the students, then the changes in the behavior of the students that are observed, and in the last comes the results that we obtained at the end of the training session. Next, please. अगर हम इसको टेबुलेटेड फॉर्म में करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन का जिसने बेस ऑफ द पिरामिड बनाया था वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा. मेनली रिएक्शन में हम अगर उसको एवलुएशन डिस्क्रिप्शन में लें तो हम रिएक्शन हम लोग डेली बेसिस पे लाइक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस. अगर फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप ने हमें ये बताना है कि आप कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम को Kirkpatrick के थ्रू असेस करने जा रहे हैं. इज इट अ वर्कशॉप, इज इट अ No, it's some module. What it is, ma'am? It's a house job training program of 3 to 6 months. आपने भी house job? Okay. 3 months का हो रहा है आजकल तो. हाँ जी, initial 3 months का हो सकता था कि अगर जो first introduce होता है hospital से ये house job ये. मेरा group one और group three से ये सवाल होगा कि Kirkpatrick model को देख करके आपने ये comment करना है कि क्या ये किसी भी टीचिंग प्रोग्राम के ऊपर फिट इन आता है और इसके थ्रू क्या हम किसी भी टीचिंग प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं. आप दोनों के लिए पहले मैंने सवाल पोस्ट कर दिया, अब आप कंप्लीट करिएगा प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन. ओके मैम. मैम, इन रिएक्शन हम लोग मोस्टली डेली बेसिस पे जो हम इवेल्युएशन करेंगे वो हम रिएक्शन में आएगी. उसमें हम लोग लाइक देख सकते हैं कि डेली जो हमारे पास मॉर्निंग राउंड्स होते हैं या बेड साइड टीचिंग होती है तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. वो जनरल फीडबैक हो सकता है, वर्बल फीडबैक हो सकता है, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग कितना मतलब मोस्टली उन्होंने मॉर्निंग राउंड में डेली कितना उन्होंने लर्न किया है. सेकेंड हमारे पास लर्निंग है. लर्निंग मैम इट इज मोस्टली मेनली कॉन्टेंट ओरिएंटेड है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग जो टूल्स अप्लाई करेंगे वो प्री और पोस्ट टेस्ट टूल्स होंगे. लाइक अगर हम वी आर गोइंग टू टीच हाउ टू अप्लाई द सूचर इन अ सर्जिकल स्किल, सो पहले हम लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि उनको सूचर्स बिफोर टीचिंग देम हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि उनको कितना आता है. फिर उसके बाद हम उनको टीच करेंगे और उसके बाद दोबारा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फिर कंपैरिजन करेंगे कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट उनमें मतलब कितना उसमें चेंज आया है. ये मोस्टली एट एंड ऑफ द ट्रेनिंग होता है. थर्ड इज द बिहेवियर दैट द चेंजेस इन द बिहेवियर दैट कम्स एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आफ्टर 3 or 6 months ऑफ द ट्रेनिंग. इसमें मैम हम जो टूल्स अप्लाई कर सकते हैं दे आर इंटरव्यूज या फोकल ग्रुप डिस्कशंस मोस्टली. लाइक मैम अगर जब ये FEHP स्टार्ट हुआ तो हमें पोर्टफोलियो का या रिफ्लेक्शंस का कोई आइडिया नहीं था. अब आफ्टर 6 months आफ्टर 3 months हम लोग वी आर एबल टू मूडल पे हम लोग अपने रिफ्लेक्शंस जो है वो सबमिट कर सकते हैं. तो दीज आर द चेंजेस दैट कम्स आफ्टर 3 months या एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आफ्टर 6 months. और मैम जो फोर्थ है रिजल्ट्स दे आर ऑब्जर्व दे आर मोस्टली ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3 or 6 months एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग. इसमें हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं मैम, इवेल्युएशन उसकी वो इवेल्युएशन क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं या इंटरव्यूज ले सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो क्या है, कितना इन्होंने लर्न किया है. थैंक यू मैम. ओके, मेरा ग्रुप वन को इनवाइट करूंगी कि प्लीज आप सवाल करिएगा. आपको क्या समझ नहीं आया मैडम, और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज होनी चाहिए. मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इन द Kirkpatrick मॉडल फर्स्ट रिक्वायर्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर स्टेटेड एंड देन यू डेवलप द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप जो वो रिजल्ट डिलीवर करेंगे फिर आप उनके ऊपर कमेंट करते हैं. यानी कि ये बैकवर्ड्स चलता है. ओके, ग्रुप टू में से कौन इसको रिस्पोंड करेगा? आप लोगों ने ये मॉडल पढ़ा है, बताइएगा कि ये वैल्यूएशन बैकवर्ड नहीं होती. आप लोगों ने मुझे लग रहा है फॉरवर्ड दी हुई है या
बताइएगा जी हमारा ग्रुप टू टीचिंग सेशन फर्स्ट ही होगा इसमें टीचिंग सेशन फर्स्ट होगा लेकिन चीजें साइड बाय साइड है नॉट बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या आपने साथ ही रिएक्शन है साथ ही लर्निंग डेली आप उनकी देख रहे हो साथ ही उनके बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हो साथ ही रिजल्ट एंड पे है बाकी चीजें साइड बाय साइड है तीनों इसमें रिवर्स ट्रायंगल बनती है ना जो आपने पिछली ट्रायंगल दिखाइएगा हाँ ये ट्रायंगल आप रिवर्स लगा देते तो वो रिवर्स हो जाएगी जी ये रिवर्स हो जाएगी ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और रिजल्ट्स एंड में आएंगे सबसे पहले आप वहां से शुरू करेंगे वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जी थैंक यू रिहाना आगे बताइएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप वन Any other question? इसका जी ये assess करता है formal और informal training methods को इन चार जो parameters उन्होंने दिए हुए हैं उस criteria के ऊपर हमने यही कहा था कि कुछ criteria establish करते हैं और उसके ऊपर हम evaluation build करते हैं तो ये reverse order में आते हैं reaction पहले आएगा फिर उसमें learning आएगी तो हम देखेंगे ये कि जिस program को हम evaluate करने जा रहे हैं उसका हमारे पास फॉर्मल या इनफॉर्मल ट्रेनिंग का क्या एंड में हमारे पास रिजल्ट्स निकल तो मैम बस यही क्वेश्चन था हमारा ओके फाइन और ग्रुप थ्री क्या क्वेश्चन करेगा इसमें चलें आप मुझे बताएं कि इसमें सवाल कैसे बनाएंगे आप इस ट्रेनिंग में जो आप किर्कपैट्रिक मॉडल यूज करेंगे उसमें आपके सवाल कैसे आएंगे मैडम वैसे तो ये इंडस्ट्री बेस्ड है बेसिकली यस ये इंडस्ट्री बेस्ड है और दूसरा ये बिजनेस मॉडल्स पे ज्यादा बेहतर अप्लाई होता है एंड हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं टीचिंग एंड लर्निंग मॉडिफाई कर सकते हैं मगर कॉस्टली होगा ठीक है क्योंकि आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं इसमें हम मोस्टली सवाल ये करते हैं कि रिएक्शन है ना उसमें आप सवाल कर सकते हैं कि वाज द ट्रेनिंग वाज डिसरप्टिव आपका करंट प्रोजेक्ट्स में कितना ज्यादा इसका प्रोडक्शन था कोर्सेज ने पूरा मटेरियल कवर किया कि नहीं किया वो सही लेवल पे सही डिलीवरी दी गई है या नहीं दी गई है और बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए आपके जो एक्शन वर्क के आउटकम्स होते हैं उनको आप यहाँ पे असेस करेंगे कि क्या वो डेवलप कर सके जो बाय द एंड ऑफ दैट ट्रेनिंग उन्होंने एस्टैब्लिश करने थे और उसके अंदर उन्होंने बाहर आना था ठीक है जी और कोई सवाल इसमें इफेक्टिवनेस कैसे मेजर की जाएगी इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करेंगे किर्कपैट्रिक इफेक्टिवनेस अगर बिजनेस मॉडल पे है तो उसकी इम्प्रूवमेंट पे अगर एजुकेशनल लेवल पे जैसे अब हम अभी बात कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स में और बिहेवियर में जैसे कि जी इनिशियली जब आए तब तो इफेक्टिवनेस एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होगी ना मॉडल की जो लास्ट और ये मोस्टली अगर आप इसको गौर से पढ़े ना तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है ये बिहेवियर चेंज की बात कर रहा है ठीक है तो ये मोस्टली उन प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब बिहेवियर चेंज की को ये मेजरिंग तो नहीं हो रही ना ये प्री एंड पोस्ट नॉलेज हो रहा है टेक्निकली ये जब आप कर चुके होंगे ना तो वो तब देखेगा कि आप डेली जिस तरह ये वर्क प्लेस परफॉर्मेंस आपके टीचर्स की जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि आया ये उस तरह लेक्चर डिलीवर भी कर रहा है जो इसको सिखाया था कि नहीं सिखाया ये बहुत अर्ली इवैल्यूएशन नहीं आएगी ये किसी भी प्रोजेक्ट के मैच्योर होने के कुछ अरसे के बाद की जाएगी तो ये अपने रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस हमें शो कर सकता है वरना नहीं करेगा ठीक है क्योंकि इसमें जो मोस्ट क्रूशियल स्टेप और फेज है वो बिहेवियर की है तो ये मेजर करता है कि पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली ट्रूली वो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने उनको दिया था अपनी डेली प्रैक्टिस में
तो वो डेली प्रैक्टिस में तभी करेंगे और हम उनका बिहेवियर तभी असेस कर सकेंगे जब वो रूटीन प्रैक्टिस में जाएंगे. प्रोग्राम के एग्जिट पे या उसके उस लेवल पे हम असेस नहीं कर सकेंगे. तो आपके लिए सोचने का मुकाम ये है कि जब भी आप इवेल्युएशन प्लान करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा क्विज या इम्तिहान ये होगा कि आपने किस प्रोग्राम के लिए कौन सा इवेल्युएशन मॉडल पिक करना है आपने. ठीक है, तो इसमें बहुत समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. अगर जरूरी नहीं है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए तमाम तीनों जो हैं वो फिट इन आ जाएं. ठीक, तो हमें लगा कि किर्कपैट्रिक मॉडल जो है वो एक्चुअली बिहेवियर चेंज को मेजर करता है और इफेक्टिवनेस इसकी तभी होगी अगर उसमें बिहेवियर चेंज आया है. और अगर जब तक बिहेवियर चेंज के लेवल पे बंदे नहीं पहुंचते आप ये मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते. लास्ट एंड थर्ड ग्रुप प्लीज क्विकली. या इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये स्टडी ये प्रीवियस के जो मॉडल अप्लाई हुआ हुआ है कैरिकुलम ट्रेनिंग हुई हुई है उसकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन देख लें उसके बाद. तो yes, ये exactly, exactly. तो ये प्रीवियस जो ऑलरेडी कैरिकुलम ट्रेनिंग में है उसके तो अप्लाई हो सकते हैं लेकिन ये करंट पे नहीं हो सकता. करंट पे के लिए पर पोस्ट ऑफ टैक्स लगाना पड़ेगा और वो चीजें करनी पड़ेंगी जो उसके लिए उस वक्त पॉसिबली होगा एक्सपेंसिव हो जाएगा. हाँ, और इसकी एक हम बड़ी खूबसूरत इवैल्यूएशन प्रोग्राम कर सकते हैं कि जिन लोगों ने मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ है जो कि सेकंड उनकी स्पेशलिटी थी तो इस प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जाए कि वो जिन लोगों ने सेकंड स्पेशलिटी के तौर पे किया वो अपनी स्पेशलिटी में इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट करें. तो ये बहुत प्यारा फिर उसमें ये फिट इन आ जाएगा, परफेक्ट फिट होगा उस प्रोग्राम के लिए. लास्ट जी थैंक यू सो मच सर, आप इसको इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते. आगे चलिएगा. नेक्स्ट थर्ड ग्रुप प्लीज इसे आप स्विच ऑफ करें और नेक्स्ट हमारा स्क्रीन शेयर पे आ जाए. लास्ट है जी. लास्ट ग्रुप स्क्रीन शेयर कर दें. अक्सा हेल्प आउट कर दें प्लीज. मैम वो कर रहे हैं, डॉक्टर कुरत का मैसेज आया है. ओके ओके वी आर वेटिंग. अच्छा मैं थोड़ा सा इसको शुरू कर देता हूँ. डॉक्टर साहिबा ने स्लाइड बनाई है. हमारा जो प्लीज सर बताइएगा जो हमारा टास्क था दैट वाज द आउटकम बेस्ड वैल्यूएशन प्रोसेस. तो हमने उसको आउटकम बेस्ड जो वैल्यूएशन प्रोसेसेस हैं उनको हमने बेसिकली ट्रेडिशनली जैसे बात की एक ग्रुप ने किया हमने हाउस जॉब प्रोग्राम पे इसको अप्लाई किया. और हाउस जॉब प्रोग्राम है उसको हमने एज ए होल लिया रादर देन डिवाइडिंग इट इनटू टाइनी ऑप्स और समथिंग लाइक दैट. तो इसमें जो आउटकम बेस्ड वैल्यूएशन प्रोसेसेस हैं देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन जो हम इसमें करते हैं. फर्स्ट इज प्रोग्राम वैल्यूएशन एंड द अदर इज दिस इफेक्टिवनेस वैल्यूएशन. देन कम्स द इंपैक्ट वैल्यूएशन एंड द लास्ट वन इज द पॉलिसी वैल्यूएशन. तो मैं वन बाय वन इसको हाउस जॉब के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इट इज. जो प्रोग्राम वैल्यूएशन है इसमें हम करेंगे ये कि व्हाट इफेक्टिवनेस व्हाट आउटकम इज माय प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग इन दिस सर्विस रेसिपिएंट्स. दैट मींस के जो हमारे प्रोग्राम में से लोग निकल रहे हैं जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं वो कितने एक इफेक्टिव हैं और हमारा गोल क्या है उनको उन उस हाउस जॉब का. जो हमने गोल डिफाइन किया था वो ये था कि हमारे जो हाउस ऑफिसर्स हैं एट द एंड ऑफ हाउस जॉब दे विल बी सेफ डॉक्टर्स और जो बेसिक एमरजेंसीज हैं वो लोग डील कर सकें. जस्ट लाइक ऐसे एरियाज जहाँ पे के टर्शरी केयर थोड़ा दूर है या कुछ बेसिक जो एमरजेंसीज डे टू डे लाइफ में आती हैं जो हमारी प्रैक्टिस में वो अगर उन्हें कंप्लीट नहीं तो उधर तक लेके जा सकें जहाँ पे उनको उन एमरजेंसीज को
डॉक्टर सिद्दीक, आपने बहुत अच्छा बताया. मेरा आपसे एक सवाल है जो कि मुझे यकीन है कि मेरे जो बाकी मेंबर्स भी जो जाग रहे हैं इस वक्त ग्रुप में, उनके जहन में भी यही होगा. आउटकम हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसका जो कैप्शन है वो आउटकम बेस्ड प्रोग्राम इवेल्युएशन है. इसमें वो जो मॉडल को डिस्क्राइब करता है वो आउटकम को कैसे डिस्क्राइब करता है, क्योंकि हमने इसमें आउटकम को देखना है कि वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. वो मैडम इसकी सेफ्टी है और इन द एंड फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट है, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में इन हाउस ऑफिसर्स का रिटन एग्जाम होता है. बाज में कंटिन्यूस एक फीडबैक सिस्टम है जो कि वार्ड में नर्सेस से लेके कंसल्टेंट्स तक उन स्टूडेंट्स उन हाउस ऑफिसर्स का जो आउटकम वो दिया जाता है फीडबैक, दैट इज हाउ दे आर असेस्ड. ओके मैम, बेसिकली तो हमारे प्रोग्राम का गोल है वही हमारा आउटकम है ना, कि हम अगर सेफ और इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अब हम उसके जो डायमेंशंस है उनको डिफाइन करेंगे कि हमारी नजर में सेफ और इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन के क्या कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स हैं. जब उन डायमीटर्स ये उन डायनामिक्स को हम डिफाइन कर लेंगे, फिर हम उनके अगेंस्ट असेसमेंट को डिजाइन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एग्जैक्टली. इस डेटा ये डेटा रिकॉर्डिंग ठीक कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसमें पूरी इंस्टीट्यूट के जो मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ टिल द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनीज, ये सारे इसमें शामिल हैं जो कि अपने फीडबैक या मुख्तलिफ और जो इनके थ्रू पेशेंट फीडबैक्स या इनके अपने फीडबैक के थ्रू जो हम इनको वैल्यूएट कर सकते हैं. दैट इज द वे ऑफ वैल्यूएशन, जिस तरह के हम अपने इस प्रोग्राम को वैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम जो है उसने अपना आउटकम इसने गोल अचीव किया है कि नहीं. जी जी, तो लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन मैडम इसकी जो है वो इसका सबसे बड़ा कॉस्टली होना है, और अगर आपके पास एवेल्युएटर्स कम है तो फिर बायस इज अनदर लिमिटेशन. ओके एंड आई एम प्लीज्ड कि यू हैव शेयर्ड इट्स लिमिटेशन एज वेल. हमारे बाकी ग्रुप्स थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना भूल गए थे, लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ये बड़े क्रिस्पी स्मार्ट और बड़े ही हैंडी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं रिसोर्सेज. एंड आई प्रे कि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सके अपने अपने प्रोग्राम, अपने अपने डिसिप्लिन में जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं. कोई भी सवाल जो प्रोग्राम इवेल्युएशन से अभी भी अनएड्रेस्ड रह गया है तो काइंडली आस्क. वी आर वेरी वेल ऑन टाइम. अभी अभी 5 बजे हैं. आप बता दें अगर कोई सवाल रहता है तो आई एम हेयर टू आंसर. मैडम सवाल तो नहीं है, ये एक अभी इंटरनेट से ही आउटकम बेस्ड इवेल्युएशन की एक स्लाइड मैंने ली थी, वो आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन. मेरा ख्याल है कि ये इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में काफी हेल्पफुल होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी, बिकॉज जो जी जैसे सीआईपीपी मॉडल में भी एक इस तरह का इन्होंने इंफोग्राफिक किया हुआ था, उसको लेके उसको अंडरस्टैंड करना बिकम्स वे इजियर. सो ये इस वजह से शेयर किया. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपने जो आपका सोशल ग्रुप है उसमें आप अपनी ये तीनों प्रेजेंटेशंस एक्सचेंज कर लें, और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया उसमें प्लीज उसको डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि जो हर मॉडल है उसमें रिएक्शन को उन्होंने बकायदा डिस्क्राइब किया है कि रिएक्शन से क्या मुराद है. जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किन प्रोग्राम्स के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट चूज करना है. तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी स्टडी होगी. यू कैन नॉट ब्लाइंडली से हाँ, अगर आपने तीनों मॉडल्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है तो फिर अगर कोई भी आपके प्रिंसिपल डीन कोई भी बैठा हुआ आपको कहता है तो आपको बहुत क्लियर हेडेड होंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा मॉडल फिट इन होगा और हम कौन सा लगा सकते हैं. तो इसमें हमेशा बेस्ट सूटेबल आएगा. फाइन, आई थॉरली एंजॉयड वर्किंग विद यू. पॉजिटिव फीडबैक ये है कि आपने फर्स्ट जो हमारा कॉन्टेक्ट था उसमें मुझे, मैंने तब भी आपको फीडबैक दिया था, लेकिन मुझे अगर आप आउटकम की बेस करें बात करें तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेरा ये है कि आप लोगों ने ओवरऑल इम्प्रूव किया है. आपकी म्यूचुअल ग्रुप वर्किंग, रीडिंग एंड देन मेकिंग द प्रेजेंटेशन स्पीड हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव की हैं, और
I'm glad के अभी जो second module में आपका ये हाल है तो आप तो by the end of the course आप लोग तो छा जाएंगे. It's a wonderful group. Thank you so much and